संभल में हर साल की भांति परंपरागत दशहरे के मेले का कुरुक्षेत्र तीर्थ मैदान में आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी मनीष बंसल, पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्रा के साथ एसपी संभल शिरीश चंद्र, एसडीएम संभल विनय कुमार मिश्रा द्वारा गणेश जी का पूजन कर रामलीला के मंच से शुभारम्भ हुआ, जिसमें रामलीला के मंच से राम रावण मेघनाथ के साथ युद्ध शुरू होकर ग्राउंड में चला। रावण दहन स्थल पर रावण को मारने के लिए राम के साथ जिलाधिकारी ने भी असत्य पर सत्य की जीत के लिए तीर चलाया। रावण दहन के बाद पुलिस की व्यवस्था के लिए रावण दहन स्थल पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। मान्यता है कि रावण दहन के बाद लोग उसकी लकड़ी अपने घर ले जाते हैं, जिसके लिए लोगों की भीड़ इतनी उत्साहित हो रही थी। रावण दहन के बाद लकड़ी लेने के लिए लोगों में मारामारी हो रही थी। व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए सदर कोतवाली प्रभारी ने लकड़ी को निकालकर ग्राउंड से बाहर लोगों को दे दिया था। रामलीला मंच से डीएम, एसपी, एएसपी, एसडीएम, नगरपालिका सहित सभी अधिकारियों व संभ्रांत व्यक्तियों को मेला कमेटी की टीम को सम्मानित किया गया। रामबोलाक मंच पर रामबोलाक कलाकारों द्वारा राजवंशी दीक्षा का दर्शन दर्शाया गया। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने आश्विन माह की दशमी के दिन रावण का वध कर दिया था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। जनबुद्धि के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि रावण का वध भगवान राम ने नहीं किया होता तो सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाता। रावण को मारने के लिए श्री राम ने सर्वप्रथम कपालिनी की पूजा की थी, जिन्होंने रावण की लंका की सुरक्षा कर रखी थी। फिर उन्होंने हनुमान जी की मदद से जहां एक ओर लंका से विभीषण को अपनी सेना में शामिल किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने विभीषण द्वारा रावण की मृत्यु का भेद भी जाना। एक अस्त्र जिसका नाम अनल था, उसने पक्षी का रूप धारण कर जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना प्रभु श्री राम को दी। विभीषण ने ही गाथा को गाकर श्री राम को मेघनाथ और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। अंत में श्री राम ने दशमी के दिन अपने धनुष कोर से रावण का वध कर दिया था। संजय गुप्ता पोली, लक्षित सिंघल, राहुल शर्मा, अनुराजा गुहा, नितोष अग्रवाल, अभिनंदन शर्मा, जगन वर्णीय, हिमांशु कश्यप, अभिषेक शर्मा, सत्यागी, राजकुमार शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। मंच संचालन उमेश चंद्र शर्मा व समित शाही ने मूल रूप से किया। दशहरे के मेला ग्राउंड में ऐसी भीड़ इस साल कोरोना काल के बाद पहली बार देखी गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी थी। क्या कहना है मेला कमेटी के टीम का, देखिए हमारे संवाददाता विनीत शर्मा की यह रिपोर्ट। दशहरे के मेला ग्राउंड में हमें कुछ देर में रावण दहन होने वाला है। हम यहाँ खड़े हैं, पीछे जो है रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव और रावण सब लोग खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे हम आकर के किस तरीके से जिसे अधर्म की का नाश हो, धर्म की विजय हो। अभी आप रावण दहन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि अधर्म पर धर्म की विजय होती है, सत्य में विजय थे। लक्ष्मण जी क्या कहना चाहेंगे, अधर्म का नाश हो? रामचरित मानस की चौपाई सत्य में विजय थे। जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए थे, असत्य पे हमेशा सत्य की विजय होती है और हमेशा धर्म को उचित मार्ग मानकर उसी पे अग्रसित रहना चाहिए। और सारे समाज को ये प्रेरणा देता है कि राम का अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पांचों तत्व ही उसको लेकर अपने अहंकार के पतन और समूल नाश के लिए आगे बढ़ गए और प्रभु के द्वारा उसका उद्धार हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया कि सत्य के मार्ग पे ही जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। उसी को दिखाने के लिए रामचंद्र जी अभी कुछ देर में यहाँ पर जो है रावण का दहन होने वाला है, जो आपको दिखाएंगे मेला ग्राउंड में जो रावण दहन हो रहा है। राम जी राज के निदेशक यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजेंद्र गुप्ता है, मैं चंदोसी श्री राम सेवा रामलीला ग्रुप का निर्देशक हूँ और ये सभी बात मेरे निर्देशन में अपना अभिनय कर रहे हैं। किस तरीके से आज जो है अधर्म का नाश होगा, धर्म की जीत होगी, रावण दहन होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा और जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए भी एक मेरा संदेश है कि जो धर्म है उसे अपनाएं, अधर्म से जितना बच सकें उसे दूर रहें। बुराई पे अच्छाई का ये प्रतीक जो हर साल दशहरा मनाया जाता है, राम जी के हाथों में इसका पुतला फूंका जाता है। रावण जबकि बहुत बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, वेदपाठी था, परंतु उसने कुछ कृत्य ऐसे किए जिसकी वजह से ये युगांतर कितने हजारों वर्षों से एक प्रतीक के रूप में बुराई पे अच्छाई के इसका दमन करने के उसके प्रतीक के रूप में हम ये दशहरा मनाते हैं और उसे प्रथा जो चली आ रही है उसे निरंतर। लेकिन
हमारा ये संदेश है जो हमारी हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, एक सही अपना रास्ता अपनाएं, अच्छाई पे चलें, बुराई का जितना से ज्यादा हो त्याग करें। मेघनाथ का यहाँ किरदार अदा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूंगा कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसके पास संपूर्ण ज्ञान था, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से उसने अपना सर्वनाश कर लिया। तो मैं ऐसे ही चाहूंगा कि सच्चे बनो और अपनी मतलब सही राह देखो, लेकिन रावण का एक भी गुण नहीं आना चाहिए। मैं उन सब लोगों से कहूंगा जो अपने घर में रावण बन के जी रहे हैं, जो कि राम की भांति जिए ना कि रावण की भांति।